नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। 1298 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे आक्रमण किया, गुजरात को तहस नहस कर दिया। ऐसे में वहां के महाराजा कर्ण सिंह को भागना पड़ा, मगर उनकी पत्नी कमला देवी वो वहीं फंस गई। उनको अरेस्ट किया गया और दिल्ली लाया गया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता पे मोहित हो गया और जबरदस्ती शादी की, रेप किया, इस्लाम में कन्वर्ट किया। माता कुमाता नहीं होती, इसका ये अद्भुत उदाहरण है कि हां, माता कुमाता भी हो सकती है। कुछ दिनों बाद कमला देवी को अपनी पुत्री देवेला देवी की याद आई। फिर से गुजरात पे आक्रमण हुआ और देवेला देवी को लेके आया गया, जहां पे खिलजी ने अपनी बेटी समान देवेला देवी के साथ बलात्कार किया, उनकी अस्मत लूटी और उसके बाद अपने पुत्र खिज्र खां के साथ उसकी शादी करवा दी। अब खिज्र खान को मोहम्मद शाह ने मार दिया, फिर से देवेला देवी की इज्जत लूटी गई और ये फिर उनके साथ अत्याचार हुआ। अब मोहम्मद शाह को जो है खुसरो खान ने मार दिया। अब खुसरो खान ने मार दिया तो भाई साहब फिर से उनके साथ देवेला देवी के साथ अत्याचार हुआ, फिर रेप हुए। अब ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूं, इसका पार्ट टू है। जब लंका से विजय हुआ प्रभु श्री राम का, वो उनके साथ किष्किंधा के महाराज सुग्रीव भी राज्याभिषेक के लिए जब अयोध्या जा रहे थे, तो उन्होंने अंगद को, जो कि युवराज थे, बाली के पुत्र थे, कार्यकारी राजा बनाया। किष्किंधा के वो कार्यकारी राजा बने। कुछ औरतें जो लंका से राक्षसनिया जो अपराधी थी उनको लेके आए थे, तो महाराज अंगद के सामने पेश की गई और कुछ प्रजा का मत था कि उनके साथ भी वही अत्याचार किया जाए। इस पर अंगद ने कहा कि हम प्रभु श्रीराम के साथ युद्ध किस लिए लड़े, ताकि सीता माता पे हो रहे अन्याय के खिलाफ। सोचिएगा जरा, सनातन धर्म क्या है, इसकी व्याख्या कैसे की जाती है कि हमने लड़ाई लड़ी सीता माता पे हो रहे अन्यायों के खिलाफ। रावण में इतनी शुचिता थी कि उसने सीता माता को हाथ नहीं लगाया। मैं प्रभु श्री राम का सैनिक, मैं इन औरतों को हाथ कैसे लगा सकता हूं, इनको सम्मान सहित लंका विदा किया जाए। इसके बाद सुग्रीव जब कुछ दिनों बाद लौटे तो उन्हें यह बात पता चली कि अंगद ने ऐसा फैसला लिया था। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और गले लगाते हुए कहा कि मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखने गया था कि राजा कैसे बने, अयोध्या किष्किंधा को कैसे बनाना है, मगर तुमने तो किष्किंधा को ही अयोध्या बना दिया। ये जिक्र जो मैंने अभी कहा है कंबन रामायण में तमिल कवि कंबन ने लिखी है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, मैंने ये पूरा 3 मिनट का कहानी क्यों कहा। आप क्या चाहते, ये दो सभ्यताओं का जो अंतर है, ये दो विचारधाराओं का जो अंतर है, ये बना रहे देश में, या ये देश भी कंप्लीटली बर्बर और जलालत, जाहिलियत और घृणा करने वाला देश बने। इस देश में इस्लाम के नाम पे कोई भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा और होता रहेगा ये अत्याचार। मेरा ये
अहम सवाल है मुसलमानों से भी। ज्यादा पहले जाने की जरूरत नहीं है, आप 2,000-2,500 साल पहले जाएं तो आप देखेंगे कि आपके जो साम्राज्य का विस्तार था वो अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह समुद्रगुप्त काल में ही था। ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्यों? अब मेरे कुछ सवाल है, जब इस्लाम का आक्रमण हुआ 7वीं सदी में भारत में, लोग कहते कि इन्होंने तो कुछ लूटा नहीं हमसे, हालांकि ये कई मुस्लिम आक्रमणकारी आए और लूट के ले गए, लेकिन मुगलों के बारे में स्पेशली इनका राय है कि मुगलों ने कुछ नहीं लूटा, उन्होंने सिर्फ राजा की तरह राज किया, इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत से ही 1206 ईस्वी से। लेकिन इसकी कीमत हमने कितनी बड़ी चुकाई? हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अब हमारा नहीं, बचे हुए जितने ही हिंदू हैं वो भारत में हैं। अब मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान ही हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, हर देश के अपने नागरिकों की पहचान है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाकर के चले जाएंगे और बस जाएंगे और वोटिंग का राइट पा जाएंगे, नहीं, वोटिंग का राइट हर देश किसी भी अवैध नागरिक को नहीं दे देता। यहां है, 5,000 रुपए खर्च करके तारों के नीचे से आप आकर के 4 साल बसिए और आप यहां के नागरिक हो जाएंगे, वोटिंग का अधिकार आपको मिल जाएगा, नागरिकता की कोई पहचान नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले सालों में, अच्छा इसमें जो तमाम लिबरल बुद्धिजीवी है वो हमेशा एक तर्क देते हैं, देखिए ऐसा है ना कि मुसलमानों का जनसंख्या बहुत जो बढ़ा है उसका कारण इमिग्रेंट, इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जैसे रोहिंग्या आ गया, बांग्लादेशी आ गया। तो आप क्या चाहते हैं कि वो इनलीगल इमिग्रेंट्स इस देश में 50% 60% हो जाए और बाद में कहें हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का तो है नहीं, निकलिए, है नमस्कार मैं रवीश कुमार, हैं वो लाल वाला माइक लगा करके। किसी चीज की सीमा होती है बर्दाश्त की। अब शाहीन बाग से लेकर के देश भर में जो नौटंकी हो रहा है, मैं आज सीए पे नहीं एनआरसी पे बात कर रहा, मुझे कोई बंदा यहां से सामने से आकर के ये जवाब दे कि एनआरसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए, मैं भी तो वोट अपनी आइडेंटिटी साबित करूंगा, तुमको भी साबित क्यों नहीं करनी चाहिए। यह देश धर्मशाला है कि कोई भी आएगा बस जाएगा, वोटिंग का अधिकार पा जाएगा और कल मेरे छाती पे चढ़ के कहेगा कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। और जो दो सोच का बर्बर डिफरेंस का है, मेरा पूरा आप जो ये जनसंख्या का जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आप यकीन मानिए आने वाली नस्लें, आने वाली जो भविष्य है आपका बहुत उज्जवल नहीं दिखता है। तो यह बात करनी और दो टूक बात करनी बड़ी जरूरी हो जाती है। जब आप इनसे पॉइंट टू पॉइंट दो टूक बात करेंगे तो यह गोल पोस्ट फिर बदल देंगे कि आपके लिए तो सीएए लेके, मेरे लिए नहीं है सीएए, मेरे लिए नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिर्फ हिंदुओं के लिए, या तो और भी धर्म शामिल है, सिर्फ हिंदुओं के लिए बात कही थी। ये बात सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ममता बानो भी कर चुकी हैं, लेकिन तब अपने राजनीतिक फायदे थे, आज अपने राजनीतिक फायदे और पूरे केस को उलझाया जा रहा है। हिंदुस्तान के हिंदुओं के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। और यह मजाक क्यों हो रहा है? क्योंकि आप होने दे रहे हैं। कोई कहता है मिस्ड कॉल कीजिए, कोई कहता है कि भैया ऐसे समर्थन कीजिए। देखिए पहले तो आपके जो दुश्मन है आपके हैं, अलग से इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुओं की बात कर रहा हूं। यह अनारकली अफारा का डायरेक्टर है, यह लिखता है कि मंदिर में जाने से पाखंड है, अब भटकाव है, स्कूल जाने से ये होता है। ये बात मंदिर की जगह रिप्लेस करके मस्जिद के लिए लिख सकता है, यही बात है जो इसने ट्वीट में लिखी है। मैंने जवाब में इससे सवाल पूछा था
कि यही बात तुम मंदिर की जगह मस्जिद रिप्लेस करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, ये क्लियर है कि तुम नहीं लिख सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। और तुम्हारी औकात इसलिए नहीं है क्योंकि चार्ली हेब्दो सिर्फ एक कार्टून बनाता है तो उसके ऑफिस में घुस के गोली मार दी जाती। तो अगर धर्म की रक्षा के लिए उनको पता है कि उनको कैसे क्या करना है, हम तो मिस्ड कॉल मार के धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, मोदी का समर्थन करना चाहते हैं। सड़क पे उतरने में आपको तकलीफ होती है, ऐसे जीत पाइएगा, ऐसे देश बचेगा आपका? नहीं बचेगा। ऐशो आराम कमरे के अंदर और ये सारी चीजें आपको बदलाव नहीं लाएगी। अभिषेक तिवारी एक नया संगठन शुरू करने जा रहा है और उसके लिए अगर आप मुझे आर्थिक भी हेल्प करना चाहें तो मैं आपको डिटेल्स नीचे दे दूंगा। अब कार्य जो है जमीन पे होगा। बिहार इलेक्शन किसी भी कीमत पे जीतना ही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं, हाथ मजबूत करना है नरेंद्र मोदी का। और स्वयं जब आप पे विपत्ति आए तो आप खुद अपने बचाव के लिए तैयार रहें, यह बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आपके पास घर में एक चाकू नहीं मिलता सेल्फ डिफेंस के लिए। तो कैसे किया जाए, कैसे लड़ें इस लड़ाई को, इसके लिए संगठन की जरूरत है, लड़कों की जरूरत है। आप आरएसएस बजरंग दल ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैं खुद अब इस चीज को बड़े स्तर पे ले जाने वाला हूं, बहुत बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। पहले तो आपको एक बात समझनी होगी, आप आइडियोलॉजिकली भी हारना चाह रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ना छोड़ दिया है। उनको उनके ऐतिहासिक तथ्यों से जवाब देना छोड़ दिया, और ये कब होगा, जब आप पढ़ेंगे। ये दास कौन है, ये सिर्फ मंदिर के लिए ही क्यों लिखा, जानते क्यों? इसको पता है कि हम लिख ही देंगे तो हिंदू मेरा क्या कर लेंगे, लेकिन इसको पता है कि इस्लाम के लिए नहीं लिखना है क्योंकि इसने तस्लीमा नसरीन का हालत देखा है, इसने इसी देश में तस्लीमा नसरीन को देखा है कि कैसे फतवे चल रहे थे, गर्दन उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कमलेश तिवारी का देखा है इसने, तो ये नहीं बोल सकता। ये बात हिंदू के लिए बोल सकता है क्योंकि जानता है कि हिंदू क्या कर ले।